हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलीज। मेरा नाम अमित कुमार और जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं एक वेल्जियन मैलिनॉइज का ब्रीडर हूँ। मैं एक टॉपिक मेरे उसमें काफ़ी आता है कि तब पपीज़ हमसे कई बार लोग पपीज़ लेते हैं तो उनका कंसर्न रहता है कि जी अब ट्रेनिंग हम कब कराएं बच्चों की, किस एज में ट्रेनिंग कराएं और कैसे कराएं। तो बच्चे की ट्रेनिंग तो तब छोटा होता है तब से ही स्टार्ट हो जाती है। लाइक जैसे आपके फैमिली में बच्चे हैं तो आप जैसे उनसे छोटे बच्चे होते हैं तो आप उनको बोलना सिखाते हैं, बात करना सिखाते हैं, बात कैसे करते हैं, खाना खाना सिखाते हैं, बैठना उठना कि बेटा ऐसे बैठते, तो वही सारी चीज़ डॉग्स के साथ भी होती है। आप जब इनको छोटे होते हैं अपने घर में लाते हैं तो कई बार हम ये सोचते हैं कि जी हम इनको अभी बचपन से ही, जैसे ये 20 दिन के हैं या 25 दिन के हैं या आप अराउंड 50 से 60 डेज के बीच में इनको घर में लेके आते हैं तो उस टाइम पे हम इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें। बट ऐसा है नहीं। जो पपी की ट्रेनिंग की राइट एज होती है वो अराउंड 3 मंथ के आसपास होती है। उससे पहले पपी को किसी तरह की ट्रेनिंग मुझे नहीं लगता एक ट्रेनर के पास ले जाके कोई ट्रेनिंग देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं तो एक एज है कि उस एज के बाद ही हम उनको स्कूल भेजते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं, ट्यूशन भेजते हैं, सारी चीज़ें, क्योंकि ब्रेन उतना डेवलप नहीं हो रहा होता है बच्चे का। एक एज के बाद ब्रेन डेवलप हो जाता है तब हम उसको स्कूल या ट्यूशन भेजते हैं। उससे पहले हम बच्चे को घर में ही जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं कि जैसे कोई गेस्ट आते हैं तो कैसे उनके साथ बात करनी है, कैसे उनके साथ बैठना है, कैसे उनके साथ मिलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये सारी चीज़ें हम बच्चे को बचपन से ही सिखाने लगते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही यही सारी चीज़ें डॉग्स के साथ भी मुझे लगता है होती हैं कि आपका जब पपी आप घर में लाते हैं तो तब उसको आप खाना देते हैं तो खाना उसको कहाँ दे रहे हैं, पर्टिकुलर एक जगह उसके लिए सेट कर रहे हैं। तब आप उसको बाहर लेके जाते हैं, थोड़ा थोड़ा बाहर लेके जाते हैं तो लोगों से उसको इंटरेक्ट कराएं। बाहर जैसे बाहर जाएगा तो वो चीज़ें देखेगा तो एक तरह का जो एग्रेशन और वो होता है वो बचपन से ही सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो उन चीज़ों से बच जाता है। और आप उसको अगर वो कहीं पे कुछ गलत कर रहा है, जैसे सुसुपोटी ट्रेनिंग बहुत बेसिक चीज़ होती है जो लोग कराते हैं अपने बच्चों को जिनकी वजह से प्रॉब्लम रहते हैं, तो वो उस एज में करा सकते हैं, वो आप घर में ही करा सकते हैं, उसके लिए किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं है या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो जो पपी की राइट एज होती है ट्रेनिंग की कि आप एक ट्रेनर से उसकी ट्रेनिंग कराएं तो वो 3 मंथ के बाद ही होती है। और कोशिश करें उससे पहले 3 या 4 महीने से पहले अपने डॉग की बॉन्डिंग खुद बनाएं, अपने से खुद से उसे टाइम दें, जैसे कि आप अपने घर में अपने फैमिली में अपने बच्चों को अपने फैमिली को टाइम देते हैं, क्योंकि ये भी आपकी फैमिली का एक पार्ट है। तो आप उतना ही उसी तरह से इसको भी टाइम दें। कई ये रहता है कि हम बस डॉग ले आएँ और जाके हम ट्रेनर के पास छोड़ आएँ और वहाँ से वो 6 महीने बाद आएगा और बिल्कुल वो ट्रेंड होके आएगा हमारे पास। वो पपी आज आप ये पपी है, जैसे अगर आप इस पपी को ले जाते हो, ले जाने के बाद आपको ये जानता ही नहीं, आपने सीधा उठाया और आपने ट्रेनर के पास पहुंचा दिया, वहाँ से आता है तब वो 6-7 महीने का हो चुका, तो वो तो एक रोबोट की तरह है ना, उसके अंदर आपको लेके फीलिंग्स ही नहीं है कुछ, वो जानता ही नहीं आपको, वो पहचानता ही नहीं आपको। तो आपको अगर अच्छा एक पपी या ऐसा एक डॉग जो आपको समझे, आपकी चीज़ों को समझे, तो कोशिश करें आप 1-2 महीने अपने डॉग्स के साथ खुद बॉन्डिंग बनाएं, अपने साथ उसे रखें, खाना दें, खाने की जगह सेट करें, सुसुपोटी की उसकी जगह सेट करें, छोटी छोटी चीज़ें उसको सिखाना स्टार्ट करें, बेसिक चीज़ें जो आपके घर में हैं, जो आप चाहते हो कि मेरा पपी ऐसे करे ऐसे करे। अगर सपोज़ किसी के ऊपर चढ़ रहा है पपी या बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है तो उन चीज़ों के लिए जो ट्रेनिंग्स हैं आप गूगल कर सकते हैं या यूट्यूब में भी काफ़ी उसके वीडियोज़ हैं उस चीज़ को लेके, ट्रेनर्स के जो अच्छे अच्छे ट्रेनर्स हैं उनके वीडियोज़ हैं कि कैसे आप उसको ट्रेन कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आप इनिशियल स्टेज में घर में ही करें और अपने पपीज़ की ट्रेनिंग आप जब बाहर कराएं तो वो आप 3 से 4 महीने के बाद ही कराएं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। आप अगर ये सोचोगे कि हम उससे पहले इसकी ट्रेनिंग करा लें, जैसे आप अपने बच्चे को 1 साल के बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते, वैसे ही आप 50 दिन 60 दिन के बच्चे को ट्रेनर के पास नहीं भेज सकते। तो ये एक बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है। कोई देखो, आप किसी के भी ट्रेनर के पास भेजेंगे उसके तो पैसे मिल रहे हैं, उसको तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अगर आप नहीं मान रहे क्योंकि आप उसके पास नहीं भेजोगे, आप कहीं और भेजोगे, तो उसमें ट्रेनर की तो गलती नहीं है।
तो आप कोशिश करें अपने बच्चे को खुद से ट्रेन करें कुछ टाइम, देन उसके बाद ट्रेनर के पास पहुंचे। तो एग्जैक्ट जो ट्रेनिंग की एज है वो 3 महीने के बाद ही होती है बच्चे की। थैंक यू।